रोजगार छीनने वाले लोग हैं। और बेगूसराय में एक दलित महिला को निर्वस्त्र करने का जो खेल, ये सरकार पूरी तरह से सत्ता और कुर्सी के लिए शासन को अराजकता का शिकार बना दिया है। और जो सोशल मीडिया एक बड़ा माध्यम था न्यूज निकालने का, उसको तो जेल का भय दिखा करके आवाज को गुम की जा रही है। तो कहा कि तुमको भी अंदर भेजेंगे मनीष कश्यप के तरह। ये मीडिया को धमकी मिल रही है प्रशासन से। नमस्कार, मैं शुभ प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक News 24। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा आए दिन सरकार के कमियों पर प्रहार करते नजर आते हैं। बीते 13 जुलाई को बीजेपी के द्वारा प्रदर्शन किया गया था, जिसमें एक बीजेपी के नेता की मृत्यु हो गई थी। अब इसको लेकर विजय सिन्हा ने महागठबंधन पर जबरदस्त तरीके से प्रहार किया है और साथ ही कहा है कि मुझे तो शक है कि जिस तरीके का रिपोर्ट बताया जा रहा है वो गलत है। इस मामले में सिटिंग जज से जांच करानी चाहिए। इस तरीके का बड़ा बयान विजय सिन्हा ने दिया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप खुद ही सुनिए। वो रोजगार छीनने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी रोजगार देने वाला है और रोजगार से ज़्यादा स्वरोजगार की ओर लोगों को लगाया है। करोड़ों लोग आपने देखा है कि स्वरोजगार की ओर लगा है। कौशल विकास के माध्यम से लोग कई घर में रोजगार से स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाया है। जिस तरह का अभी हालात बना हुआ है, खासकर जिस तरह की बातें की जा रही है वर्तमान सरकार द्वारा, मणिपुर हिंसा को लेकर के लगातार जो विपक्षी दल हैं वो नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, मैं आज जा रहा हूं मुजफ्फरपुर में, जो नरसंहार हुआ है, 3 लोगों की हत्या कर दिया, 2 लोग गंभीर सीरियस हैं। और मैं जा रहा हूं वहां देखने। और बेगूसराय में एक दलित महिला को निर्वस्त्र करने का जो खेल हुआ है बिहार के अंदर, और इस तरह की घटना बिहार, बंगाल, केरला के अंदर लगातार घटती है। मणिपुर की घटना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, उस पर तो प्रधानमंत्री जी का भी आया और एक्शन भी हुआ, लेकिन बिहार के अंदर जो ये नरसंहार हो रहे हैं, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार हो रहे हैं और निर्वस्त्र कर करके किस तरह से वातावरण को, माहौल को दूषित किया जा रहा है, सरकार मौन क्यों है? इस पर भी तो जवाब देनी चाहिए, इस पर भी लोगों को बोलना चाहिए। आज बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय दोनों जगह जा रहे हैं। ये सरकार पूरी तरह से सत्ता और कुर्सी के लिए शासन को अराजकता का शिकार बना दिया है। आज आज बिहार के मुख्यमंत्री क्या बेगूसराय में निर्वस्त्र किया गया उस दलित महिला को? इसके पहले भी कई घटनाएं घटित हुआ, कहीं भी वो जा सके हैं। इस पर जेडीयू ने कहा है कि 2 महीने से इस तरह कहीं नहीं जला है बिहार में, इस तरह का नहीं बिहार बिहार से नहीं किया जाए। बिहार तो रोज जल रहा है, बिहार में तो अघोषित आपातकाल है, न्यूज भी बाहर नहीं निकल पा रहा है। और जो सोशल मीडिया एक बड़ा माध्यम था न्यूज निकालने का, उसको तो जेल का भय दिखा करके आवाज को गुम की जा रही है। सदन के अंदर भी लोग देखते हैं कि आवाज को किस तरह से मार्शल से बाहर निकाल के गुम किया जाता है, और सड़क पर लाठियों की बौछार से विपक्ष की आवाज को दबाई जाती है। सवाल है सर, आप भी मीडिया को कहते हैं, वो लोग भी कहते हैं कि मीडिया के मीडिया पर आरोप लगाते हैं। मीडिया पर मैं आरोप नहीं लगा, मीडिया की आवाज को घोषित आपातकाल में चुप कराया जा रहा है। मीडिया तो बड़े हिम्मत करके अपनी बात को रखते हैं, लेकिन मीडिया वाले को जेल की धमकी, कार्रवाई। अभी हमने वैशाली गया था, वहाँ के सोशल मीडिया वाले शिकायत कर रहे थे कि हमने वीडियो चला दिया पीट पीट कर हत्या का, जिसको थाना प्रभारी आत्महत्या करार दे रहा था। तो कहा कि तुमको भी अंदर भेजेंगे मनीष कश्यप के तरह। ये मीडिया को धमकी मिल रही है प्रशासन से। और आपने सदन के अंदर भी देखें कि बार बार क्या निर्देश मिलता है, कोई न्यूज बाहर नहीं जाएगा, विपक्ष की ओर दिखाया नहीं जाएगा, विपक्ष आवाज उठाएगी तो मार्शल से बाहर, बाहर में प्रतिवाद करेगा अपराध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध तो लाठियों की बौछार। मीडिया को पूरी तरह से डराने का, प्रतिपक्ष की आवाज को दबाने का, और आज 3 लोगों की हत्या हुआ, ये नरसंहार है। इस नरसंहार पर मौन क्यों है? एक दलित महिला का बेगूसराय में निर्वस्त्र कर दिया गया, कल से वीडियो वायरल है, लोग क्यों मौन है? ये
धृतराष्ट्र की जमात बिहार के मुख्यमंत्री सत्ता और कुर्सी के लिए बन चुके हैं। यहाँ पर न्याय की बात नहीं। जिस दिन से इन्होंने कहा जंगल राज को जनता राज, गुंडा राज का में तब्दील हो गया है, अपराधियों का मनोबल बढ़ गया। वही मुजफ्फरपुर है ना, जहाँ इजराइल मंसूरी मंत्री के ऊपर आरोप लगता है, आवेदन पड़ता है हत्या का, और वो व्यक्ति को ऊपर केस नहीं दर्ज होने देते हैं। सदन के अंदर मुख्यमंत्री कागज भी लेते हैं और धृतराष्ट्र की तरह बैठे रह जाते हैं। आज उसी का परिणाम है ये नरसंहार, तीन तीन लोगों की हत्या का। जैसा कि आपने सुना कि विजय सिन्हा यहाँ पर साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, यानी कि वो नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही ये कह रहे हैं कि बिहार में आए दिन क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। नीतीश कुमार बस इन सब चीजों को टालने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।